जोशीमठ में भगवान नरसिंह का जो शालिग्राम है वो स्वयं भू शालिग्राम भगवान के शालिग्राम की जो मूर्ति है और उस मूर्त को किसी ने नहीं बनाया, वो मूर्त स्वयं भू शालिग्राम। कहते हैं संयुक्त कुमार संगीता में एक उल्लेख किया गया है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की कलाई, उनकी लेफ्ट हैंड साइड की जो कलाई है वो डिवेस्ट होती जा रही है, जिस दिन वो अपने विग्रह से अलग हो जाएगी उस दिन भगवान बद्री विशाल की यात्रा लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। से अपने पिथौरागढ़ में एक पाताल भुवनेश्वरी का मंदिर है जहाँ पर तीन स्तंभ हैं, कलयुग, द्वापर युग और सतयुग। जिस दिन कहते हैं कि जिस दिन कलयुग का जो स्तंभ है वो ऊपर छू जाएगा, अपने ऊपर एक शिला है वहाँ पर छू जाएगा, उस दिन वहाँ भी विवरण जोशीमठ का आता है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह का जो मंदिर है वहाँ पर उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो कलाई है वो डे बाई डे थिन होती जा रही है। जिस दिन वो अपनी विग्रह से अलग हो जाएगी उस दिन भगवान बद्री विशाल की यात्रा लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन गुड मॉर्निंग यारा, डीजी राइडर्स आ गए दोबारा। आज है डे 4, सुबह के बज रहे हैं 6 और हम हैं रेडी जाने के लिए मंदिर के दर्शन करने के लिए जो नरसिंह भगवान का है, जहाँ पे शीतकालीन पूजा होती है बद्रीनाथ जी की। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी गद्दी को यहाँ लाया जाता है, उसकी पूजा फिर यहाँ की जाती है। अब आपको चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता दिखाएंगे और फिर आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। आइए मेरे साथ। हम पहुँच गए हैं नरसिंह भगवान जी के टेंपल पे जो मेरे पीछे है, और हमें जी मेन गेस्ट हाउस से यहाँ तक आने में मात्र 10 मिनट लगे पैदल। आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, गाड़ी आपको बिल्कुल यहीं तक छोड़ेगी, लेकिन हमारे से पैदल का रास्ता था तो इसलिए हम पैदल ही आ गए। और अब हम जाएंगे अंदर, दर्शन करेंगे, आरती अटेंड करेंगे, तो उसके बाद पूरा परिसर देखेंगे। थोड़ा सा इसका पार्ट पीछे भी है, तो जब भी आप जोशीमठ आए तो यहाँ जरूर आए। जय बद्री विशाल, जय बद्री। इसी स्थान पर होती है, अतः भगवान नरसिंह द्वारा नरसिंह दर्शन पश्चात श्री बद्रीनाथ यात्रा सफल मानी गई है। हमारी यात्रा जो अब सफल होगी होगी देखो अठारह द्वारा ना होली के बारे में समझते नहीं सर आप। कटपा
साल, और हमने जो है यहाँ पे नरसिंह भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, जिसमें हमें उनका सुबह सुबह का स्नान और आरती का बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। मन को बहुत शांति मिली, ठंड बहुत अच्छी है। और जो ये जोशी मठ है, ये शंकराचार्य जी का यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ शंकराचार्य जी गद्दी है, उन्होंने ये इसको स्थापित किया था। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, उसके बाद इसका नाम रखा था ज्योतिर्मठ, लेकिन धीरे 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 वक्त के साथ साथ इसका नाम जो है जोशी मठ पड़ गया है। यहाँ पे शीतकालीन बद्रीनाथ जी की पूजा, जो गद्दी वहाँ से आती है, वो यहाँ पे रखी हुई है शंकराचार्य जी के आश्रम में, यहाँ पे उसकी भी पूजा होती है। और मेन जो मंदिर है ये है नरसिंह भगवान जी का। कहा जाता है कि संत जो उनके भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने उनके उग्र रूप को, जो नरसिंह भगवान थे उनके उग्र रूप को पूजा करने के बाद जब शांत किया था, तो वो यहाँ आके शांत हुए थे, और तब से यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और शालिग्राम के रूप में उनको पूजा जाता है यहाँ पे, जिसे देख के मन को बहुत तसल्ली मिली है। और आपसे भी यही कहेंगे, आप कभी भी जोशीमठ आए तो सुबह 6:30 बजे की जो आरती होती है या जो उनका स्नान होता है, वो ज़रूर देखें, आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। और जस्ट बिल्कुल ही मेरे पीछे एक नवदुर्गा मंदिर है, और पंडित जी हमें बता रहे थे कि उस तरफ जाएंगे तो यार 3-4 छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे, नवदुर्गा मंदिर है। तो पंडित जी ने बताया कि भारत में एकमात्र यही एक मंदिर है जहाँ पे नवदुर्गा स्थापित है। एक ही मंदिर के अंदर 9 दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित है, तो उसके भी हमने दर्शन करें। और अब हम चलेंगे अपने रूम की तरफ। जय बद्री उषा। हम आ रहे थे नरसिंह भगवान के मंदिर से अपने रूम की तरफ वापस, तो हमें रास्ते में ये घर दिखा जो बहुत ही पुराना लगा रहा है। इसके दरवाजे वो गणपति लकड़ी के बने हुए हैं, बहुत छोटे से, आप देख सकते हैं। कंडीशन भी बहुत पुरानी है, जिसका भी है, पुराने यादों को संजो के रखा हुआ है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अंदर चूल्हे पर रोटी बन रही है। गांव की याद आ गई इन्हें देख के, तो इतने पुराने घर अब जल्दी से किसी भी शहर में देखने को नहीं मिलेंगे। हम आए थे घर वालों के लिए, हमने चलो तो बाल मिठाई वगैरह कुछ लिया है, यहाँ से स्वीट्स वगैरह कुछ ली जाए। तो हमें मार्केट में किसी ने बताया कि अम्बे मिष्ठान भंडार आइए, तो ढूंढते ढूंढते हम अम्बे मिष्ठान भंडार पहुँच गए हैं। यहाँ भी कई तरह की मिठाइयाँ लगी हुई है, तो आइए दिखाते हैं आपको। पहले बताऊँगा देखिए, यहाँ कई तरह की मिठाई है, बाल मिठाई, चॉकलेट मिठाई, जलेबी वगैरह बहुत अच्छी है, चाय वगैरह का भी प्रोग्राम है यहाँ पे। और अब हम आए हैं तो देखिए, यही भैया जो है हमसे बात कर रहे हैं, यही मंदिर में पूजा भी कर रहे थे, और आइए इनसे बात करते हैं एक बार थोड़ी सी, क्योंकि मंदिर में आरती में इनका बहुत अच्छा योगदान था। आया वो, उसने पकड़ा उन राक्षसों को, खदेड़ कर लेकर आया। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का जो शालिग्राम है, वो स्वयंभू शालिग्राम, भगवान के जो शालिग्राम की जो मूर्ति है, वो उस मूर्त को किसी ने नहीं बनाया, वो मूर्त स्वयंभू शालिग्राम। कहते हैं संयुक्त कुमार संहिता में एक उल्लेख किया गया है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की कलाई, उनकी लेफ्ट हैंड साइड की जो कलाई है, वो डिवस जीथिन होती जा रही है, जिस दिन वो अपने विग्रह से अलग हो जाएगी, उस दिन भगवान बद्री विशाल की यात्रा लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। उसके बाद भक्त जो हैं, यहाँ से 17 किलोमीटर आगे जाकर भविष्य बद्री एक जगह है, जहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी भक्तों को दर्शन देंगे। अभी वो मूर्ति जो है वो निकल चुकी है, उभर गई है, लेकिन यह है कि वो विधि का विधान, जब वो नियति उन्होंने बांधी होगी ना, तो उसी टाइम यहाँ से अपने पिथौरागढ़ में एक पाताल भुवनेश्वरी का मंदिर है, जहाँ पर 3 स्तंभ हैं, कलयुग, द्वापर युग और सतयुग। जिस दिन कहते हैं कि जिस दिन कलयुग का जो स्तंभ है वो ऊपर छू जाएगा, अपने ऊपर एक शिला है वहाँ पर छू जाएगा, उस दिन वहाँ भी विवरण जोशीमठ का आता है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह का जो मंदिर है, वहाँ पर उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो कलाई है, वो डे बाय डे होती जा रही है। जिस दिन वो अपनी विग्रह से अलग हो जाएगी,
उस दिन भगवान बद्री विशाल की यात्रा लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ से पांडुकेश्वर एक पटमिला एक जगह है, पांडुकेश्वर में पटमिला, हाँ जी पटमिला एक जगह है जहाँ पर टू पिक्स आर कोलैप्स, नर नारायण जय विजय दो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे। अच्छा, तो सेंटर में भगवान नरसिंह, उनके बगल में भगवान बद्री विशाल जी, उनके बगल में भगवान बद्री विशाल के शका हैं उद्धव जी, भगवान उद्धव जी के बगल में हैं कुबेर जी, भगवान कुबेर जी, और भगवान कुबेर के बगल में जो दीवार पे लगी जो मूर्त थी जिनके मुंह में आपने चावल देखे थे वो माता चंडिका है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे 7 किलोमीटर आगे जाकर लगभग एक गांव है मिरक, वहाँ मिरक एक मिरक एक गांव है जहाँ पर एक कांटे वाला एक पेड़ हुआ था, उसको भ्योल का पेड़ बोलते हैं, बहुत कांटे वाला पेड़ था। उसमें से 3 माताएं तो उस पेड़ के 3 फाड़ हुए थे जिसमें से 3 माताएं निकली थी। अच्छा। तो जोशीमठ में जो विराजमान है वो राज राजेश्वरी, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाकर एक गांव है रविग्राम जहाँ पर है बागेश्वरी विराजमान, वहाँ से ही 3 किलोमीटर और आगे जाकर मिरग गांव है जहाँ पर है रिखेश्वरी माता। तो एक पेड़ के 3 फाड़ जिसमें से 3 माताएं निकली, जोशीमठ में राज राजेश्वरी, रविग्राम में बागेश्वरी, रिखेश्वरी है आपने मिरग गांव। तो कहते हैं कि इनके मुंह में चावल ही लगे रहने चाहिए, अगर जिस दिन इनके मुंह से चावल हटाए गए तो उस दिन इनको बलि दी जाती है। तो यहाँ साल में सिर्फ एक बार एक ऐसा दिन आता है, वो भी आता है श्रादीय जब नवरात्रे आते हैं उस टाइम पीरियड में एक ऐसा मतलब एक टाइम आता है जिस दिन वो उस स्थान से बाहर आती है और उस दिन इनके मुंह से चावल हटाकर उस दिन इनको बलि दी जाती है। तो प्रथा है कि हम लोग पूरे गांव वाले, पूरे जोशीमठ के एक नगर एक गांव, वहां से पूरे घी के दिए वहां रखे जाते हैं और उस दिन जिस दिन उनको बलि दी जाती है चावल हटाकर, आज भी उनका गला काट के जब उसको उसकी जो मूर्त जो चंडिका माँ की जो मूर्त है उनका जो मुँह है उस गले पर लगाया जाता है तो आज भी एक आवाज़ आती है खून पीने की। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद उनका स्नान होता है क्योंकि ये जो जोशीमठ में जो विराजमान है भगवान नरसिंह दूताधारी नरसिंह है तो यहाँ पर इनको खून खान बली वली नहीं चाहिए। तो उसके बाद इन चंडिका माँ का जो है स्नान होता है, उसके स्नान के बाद इनको फिर अभिषेक के बाद इनको फिर अंदर विराजमान करा जाता है। तो ये रक्षक है, यहाँ की कुल देवी है। और यहीं पर जोशीमठ में ही आपने जब आप ऊपर थे वहीं पर आपने थोड़ा सा सीढ़ियों से नीचे आए होंगे हनुमान जी का मंदिर देखा होगा। उसी हनुमान जी के मंदिर से ये लगा दो, उसी हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा और नीचे वहाँ पर एक छोटा सा एक अंदर को एक आला टाइप का देखा होगा जहाँ पर एक त्रिमुंडिया लिखा हो, तीन मुंड दिखा नहीं दिखा ध्यान में, त्रिमुंडिया हाँ उसके साथ में एक बिल्कुल छोटा सा नीचे जिसमें से पानी की धार आ रही थी उसके पाना बीच में। पानी की धारी के बगल में तो शिवालय था लेकिन उससे पहले हाँ जी तो वहाँ पर एक 3 मुंड का राक्षस हुआ करता था। कहते थे कि जोशीमठ में 3 मुंड का राक्षस हुआ करता था, उसको तिमुंडिया कहते हैं। तिमुंडिया ऐसा कहता है कि 3 मुंड का राक्षस हुआ करता था, वो यहाँ पर बड़े आतंक मचाया रखता था। इस आपकी बारी थी, आपकी अगर आपकी हो गई ना हमारी हो गई तो हमारी उसके परिवार में जब तक सब नहीं खत्म हो जाए उसको खाना है उसको, तो एक बारी लगी। तो यहाँ पर एक उसका दुर्गा का यहाँ पर एक हम लोग यहाँ बोलते हैं एक मेला टाइप का मेला बोले तो उनको जागृत करते हैं। तो यहाँ पर दुर्गा जी का एक कुछ इस टाइप का एक प्रथा चल रही थी तो देवरा बोलते हैं उसको, देवरा दुर्गा जी का देवरा चल रहा था। तो वो अब तक नहीं हुआ उस ज़माने से, अब तक नहीं हुआ, लेकिन जब वो देवरा हो रहा था तो वो माता मतलब माता जागृत हुई और किसी पर अवतरित हुई तो उसके पशु कहलाए जाते हैं। यहाँ पर त्रिमुंडिया का जो जिस पे अवतरित होता है तो उसको उसका पशु कहते हैं। अच्छा, जिस पे आता है जैसे यहाँ पर राज माता है दुर्गा माता है तो उनका वो पशु हुआ, जिस तरह वो पशु किसी पे अवतरित हुआ तो उसने उसके सामने समक्ष पूरे गाँव वालों ने अपनी शिकायतें रखी कि यार ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो उसने उसको कई साल लग गए, उसको दुर्गा माता को कई साल लग गए उनको उस तिमुंडिया राक्षस को पकड़ने में। तो जब पकड़ा गया तो उसको यहाँ लाया गया तो अपने एक वाण से तो पहले उसका एक गला काटा, उसके दूसरे वाण से अपने दूसरा गला काटा, जब तीसरे गले की बारी आई तो उसने एक क्षमा याचना मांगी उनसे कि हे माता मुझे क्षमा कर दो। तो माता ने भी एक वचन दिया कि साल में सिर्फ एक बार तेरे को भरपेट खाना दिया जाएगा। तो साल में आज भी भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले जो सैटरडे आता है
तो उस दिन यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है जिसमें कई मंड चावल, कई गुड़ की भेलियाँ, कई बंटे पानी, कच्चा बकरा सबके सामने खाया जाता है। तो शक्ति है, शक्ति है। और जिस भगवान नरसिंह के आप दर्शन करे हैं ना आप, तो स्वयं भू वो तो भक्त वर्षल भगवान नरसिंह की जय। नरसिंह भगवान की जय। तो हम आपको इसकी ना हमारे पास व्हाट्सएप पे भी है ये, कुछ हम किसी को भेजते हैं जैसे को जानना चाहता है तो अपनी एक हमने वो एक बनाया डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो इनके बारे में, टिमुंडिया क्या है, अच्छा, क्या थे। तो आज भी जो आपने देखा होगा घंटा जो बजा रहे थे उनके पापा जो हैं शायद उस टाइम पीरियड में शायद आप आ रखे होंगे। एक बर्तन मांज रहे थे जब आप पहले आए थे अंदर, जब हमको पहले मिले थे, जब हमको झाड़ू मार रहे थे, पर पीछे एक बर्तन मांज रहे होंगे मंदिर के। इतना ध्यान नहीं दिया था, हमें गौर नहीं करा होगा। पशुआ, अच्छा, इंडिया के पशुआ। हम आपको हाँ ठीक है। कल पृष्ठ की तरफ जिस तरफ मंदिर है, शंकराचार्य जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। और अभी जैसे अभी हम भैया से बात करके आए हैं और स्वीट शॉप में मांझू भैया से, उन्होंने बताया कि भविष्य केदार जो है वो भी ये देखिए लिखे भविष्य केदारनाथ मंदिर। आप अगर ध्यान से देखेंगे एक सेकंड, तो उन्होंने बताया है कि भविष्य केदार मंदिर जो है वो यहीं स्थापित है। और आप देख सकते हैं एक ये है, एक इस तरफ जो है बिल्कुल केदारनाथ की तरह, जैसे केदारनाथ में शिवलिंग है उस तरह का शिवलिंग यहाँ पर है, शेषनाग रखे हुए हैं उस शिवलिंग के ऊपर, इसी को भविष्य केदार कहा गया है। बजरंगबली का मंदिर भी है और हम पहले भी इस दर्शन कर चुके हैं लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसको भविष्य केदार कहा जाएगा। शंकराचार्य जी ने यहीं पे अपनी तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। कैमरे की नहीं डाल लो। अभी जो आपने अंदर कुटिया देखी इसके अंदर जो शंकराचार्य जी तपस्या करते थे, अब आप आपको कल्प वृक्ष की तरफ लेके चलते हैं। बस इसी कुटिया से लगा हुआ जो कल्प वृक्ष कहा गया है, मान्यता है कि ये पिछले 2000 सालों से लगभग ऐसे ही है। और आप देख सकते हैं इस वृक्ष की और ऐसा होता है मूर्ति बहुत बड़ी।
बड़ी है, ऐसी लग रहा था मूर्ति बहुत बड़ी है। बड़ा हुआ है कि